हाथरस हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा है या इसमें कोई साजिश है, इसकी तह तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि हाथरस से मची भगदड़ पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा, यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पिछले साल इस बाबा के दरबार में मौजूद थे। इस घटना के बाद उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारे साथ अखिलेश यादव है, उनसे बात करते हैं। सर, आयोजकों से भी आज तक ने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन को पूरी तरह से बताया था कि 1 लाख लोग आने वाले, ना एम्बुलेंस थी ना प्रशासन ने कोई व्यवस्था की। कार्यक्रम कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कार्यक्रम पहले भी हुए उनके, और अगर आयोजन में इतने बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के सुरक्षा इंतजाम करें, प्रशासन पूरी जिम्मेदारी से वहां पर लोगों को लगाए और समय समय पर लोगों को गाइड करे कि भीड़ इकट्ठी इतनी ज्यादा ना हो।